कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, शांति शांति शांति। बोलिए शासन पति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गे आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज के। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज के। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चात्रमास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की भावधारा में हम प्रतिदिन गोता लगा रहे हैं। हमारी इस भाव यात्रा में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं।
इस भाव यात्रा में जो जो भी पड़ाव आ रहे हैं, जो जो भी पद आ रहे हैं, और उन पदों में जो जो भी पंक्तियां आ रही हैं, उनकी गहराई में जाने का यथाशक्ति जितना जितना हमारा तुम्हारा ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षोपशम है उतना उसकी गहराई में जाने का उपक्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा मंगलमय हो, इसके माध्यम से हम मंगल स्वरूप अपनी आत्मा से मिलन कर पाए, अपने हृदय के तल को छू पाए और उस तल पर खड़े होकर के एक बार हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकें, हमारा परमात्मा कितना विस्तृत है, कितना विशाल है, कितनी अनंत संभावनाएं समेट करके हम इस धरती पर अवतरित हुए, इसका थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त कर सके, यही पुरुषार्थ पर्याप्त है। मैं मानता हूं कि 23 घंटे संसार में रचे पचे होने के बाद इस एक घंटे की पाठशाला में शायद हम एकाग्र ना हो पाए, लेकिन फिर भी जितने भी विचार बिंदु आपके मस्तिष्क को और आपके हृदय को छूते हैं और उनके बारे में तनिक ही सही, थोड़े ही सही, जितना भी हम सोचते हैं, अगर उसमें भी हम गहराई में चले जाएं थोड़ा सा, तो हमें अनेक रहस्यों से संपर्क या संबंध स्थापित हो सकता है। केवल इसी परपज के लिए, केवल इसी प्रयोजन के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है, ताकि बाहरी दुनिया से थोड़ी देर हम टूट जाएं, थोड़ी देर के लिए हम बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लें, एक बार हम अपनी अंदर की दुनिया से संपर्क जोड़ लें, यही सत्संग का फल है। और वो संपर्क अगर अनश्योत, अगर लगातार जारी रहे, यहाँ के जाने के बाद भी चिंतन के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और ये सार्थक पुरुषार्थ है। क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी पुरुषार्थ करें वो सब निरर्थक साबित होने वाला है, लेकिन आत्मा को आगे रख करके कुछ भी आप पुरुषार्थ करते हो वो सार्थक ही होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लीजिए सातवें पद पर रोकी हुई चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, बड़ा प्यारा पद है और इस सातवें पद के अंदर परम स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। इस पद को अगर हम गहराई से जाएं, गहराई से देखें, तो हमें पता लग सकता है कि महावीर अरिहंत कैसे बने होंगे। ये अरिहंत बनने की कीमियां हैं, ये अरिहंत बनने के सूत्र हैं, ये अभ्यास है, और इस अभ्यास को जितनी गहराई से उन्होंने साधा उतनी ही रफ्तार से, तीव्र गति से वो आत्मा के करीब पहुंचे। क्योंकि हमारे बीच में और आत्मा के बीच में कोई बाधा है, कोई दीवार है, तो वो दीवार हमारा मस्तिष्क है, वो हमारी बुद्धि है, वो हमारा मोह है,
वो मोह जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, फिर उस मोह का पूरा बहुत बड़ा कुटुंब कबीला है, फिर उसके अंदर हम लिप्त हो जाएंगे और उसी के अंदर कभी हमारी कभी तुम्हारी जिंदगी के अनमोल श्वास खर्च हो जाते हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। लीजिए, पहले उच्चारण करते हैं, क्या परम स्वतंत्रता के सूत्र हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर हम डुबकी लगाएं तो फिर अनेक रहस्य निकल निकल करके आते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा है भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या गहरे सूत्र है। कोई बुरा कहो या अच्छा, ये वही सोच सकता है जो स्वतंत्र हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। इस सूत्र में परम स्वतंत्रता के सूत्र समाहित है, क्योंकि दूसरों की टिप्पणियों से जब तक हम प्रभावित होते रहेंगे तब तक हम प्रतंत्र हैं, और जब दूसरों की टिप्पणियां हमारे ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ती हैं तब समझना कि हम इंडिपेंडेंट हुए। वो देखिए, अगर डिपेंडेंट होने का शौक ही है, अगर किसी के सहारे जीना ही है, तो जीना है तो अपने भीतर वाले के सहारे जियो ना, क्या बाहरी दुनिया वालों के सहारे हम जीते हैं। अगर डिपेंडेंट होना ही है तो अपने भीतर जो बैठा हुआ है उसके डिपेंडेंट हो जाइए, उसके साथ संयुक्त हो जाइए, उसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जो अंदर परमात्मा बैठा है वो इंडिपेंडेंट है, वो परम स्वतंत्र है, और ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ, परमात्मा के साथ, अरिहंत और वितराग प्रभु के साथ या आत्मिक गुणों के साथ जितना गहरा आप संबंध स्थापित करोगे उतनी मात्रा में आप स्वतंत्र होते चले जाओगे। संसार तो कर्म बंधन से निर्मित होता है, और संसार से जुड़ोगे तो कर्म बंधन में ही पड़ोगे, क्योंकि जिससे वो जुड़ा है उससे जुड़ना ही होगा। संसार से जुड़ोगे, संसार से जुड़ना यानी मोह से जुड़ना, मोह से जुड़ना यानी कसायों से जुड़ना, कसायों से जुड़ना यानी विषयों से जुड़ना, विषयों से जुड़ना यानी राग और द्वेष से जुड़ना, राग और द्वेष से जुड़ना यानी संसार से जुड़ना। फिर दूसरों की बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अपने जमीर को छोड़कर हम दूसरों की टिप्पणियों पर ज्यादा गौर करने लगते हैं। और महाकवि जुगल किशोर मुख्तियार जी प्रस्तुत पद मेरी भावना के सातवें पद के माध्यम से हमको ये बार बार सचेत कर रहे हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कभी भी मैं विचलित ना हूं, मैं अपने से ना टूटू। मैंने कल बोला था
कि हमारा यह शरीर पांच तत्वों से बना है, राइट? और जब भी कोई कमी आती है तो यह शरीर वो मांगने लग जाता है। पानी की कमी आ जाती है तो पानी मांगता है, पृथ्वी तत्व की कमी आने लगती है तो भोजन मांगता है, वायु की कमी आने लगती है तो हमें हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीव है बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन मस्ट, बिना ऑक्सीजन के हमारा शरीर टिकी नहीं सकता जी, क्योंकि ये हवा से भी बना है, पृथ्वी से भी बना है, अग्नि से भी बना है, जल से भी बना है, आकाश से भी बना है। इनमें कहीं पर भी कोई कमी आती है तुरंत ये शरीर वो मांगने लग जाता है, उसकी डिमांड है। तो लेकिन कभी आपने सोचा कि आत्मा में कोई कमी आती है तो आत्मा भी उस चीज को मांगने लगती है, लेकिन हम मस्तिष्क के भरोसे या मस्तिष्क के साथ, मस्तिष्क जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब है मोह, ममता, राग, द्वेष, संसारिक शक्तियां, संसारिक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि ये संसार नकारात्मक ऊर्जा से बना हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा से नहीं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से तो केवल परमात्मा बना है, परमात्मा, परमात्मा कहिए या सकारात्मक ऊर्जा का भंडार कहिए, बात एक ही है। अरिहंत अवस्था बिना सकारात्मक यानी बिना पॉजिटिव हुए हम अरिहंत नहीं बन सकते, हम संत नहीं बन सकते, हम भक्त नहीं बन सकते, हम श्रावक नहीं बन सकते, हम सेवा नहीं कर सकते। जो सेवा करने की थोड़ी बहुत लालसा आती है, और वो भी गुप्त सेवा, गुप्त सहयोग, और जब हम अपने आप को नाम और आडंबर से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, इसको हम कहते हैं सहज सेवा, अनकंडीशनल सर्विस, अनकंडीशनल लव, ये वही है अनकंडीशनल सर्विस, जिसको हम कहते हैं निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम। और ये सकारात्मक ही है, क्योंकि उसका आनंद इतना आता है कि कुछ और मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं। कोई मुझे प्रमाण पत्र दे मेरी सेवा का, मेरी विद्वता का, मेरी साधना का, मेरी क्रिया का, कोई प्रमाण पत्र दे, इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार हमारा जो आत्मा है ये सात विशेषताओं का मूर्तिमान रूप है, लेकिन हम कभी समझते नहीं। आत्मा में ये कमियां आती हैं तो आत्मा तड़पती है उन चीजों को, जैसे पानी की कमी आती है तो शरीर पानी मांगने लगता है, तो आत्मा भी मांगती है। लेकिन उस वक्त आदमी जब मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाता है, मोह में प्रवेश कर जाता है, फिर वो मस्तिष्क की सुनता है, आत्मा की सुनता नहीं है, आत्मा की आवाज दब जाती है। हां, फिर भी कभी ना कभी ध्यान के दरमियान, साधना के दरमियान, सत्संग के दौरान, साधना के दौरान जब हम थोड़े शांत होते हैं और जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम अपने आप का विश्लेषण करते हैं, तो कभी कभी हमें अपनी भूल का पता चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके अंदर दो शक्तियां काम कर रही होती हैं, एक ऐसी ऊर्जा भी है, एक ऐसी ताकत भी है जो आपको कहती है गलत है, ये गलत है, किसी के साथ धोखा करना अच्छी बात नहीं, ये आपके अंदर कोई है बोलने वाला, वो सम्यक ज्ञान है, वो अंदर जो सम्यक, तो जो आत्मा का मूल गुण है, वो आपको रोकता है कि किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं, किसी के साथ कपट करना अच्छी बात नहीं, किसी को अपने स्वार्थ का शिकार बनाना अच्छी बात नहीं, किसी को गाली देना, किसी से लड़ना ये अच्छी बात नहीं, किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं,
बोलती है हमारी इनर कॉन्शियस, लेकिन जब हम अभिमान माया या कसाय के अधीन होते हैं, यानी अपने मस्तिष्क की जकड़ में रहते हैं, पकड़ में रहते हैं, तब हम उस बात को सुनकर के भी अनसुना कर देते हैं। ये कसाय की प्रबलता है। नहीं तो हमारे अंदर की जो, जिसको हम कभी जमीर कहते हैं, जिसको हम कभी दिल कहते हैं, जिसको हम प्योर सॉल कहते हैं, वो कभी ना कभी हमें बताती है, रहने दे, क्या रखा है, छोड़ना, जो भी कुछ किया है उसने, वो सब तेरे कर्म का प्रभाव है, तू क्यों उसको बुरा बता रहा है, ये बोलती आत्मा। लेकिन फिर मस्तिष्क, फिर अभिमान आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, कहा कि वाह जैसे को तैसा, अगर उसने तेरे साथ बुरा किया तो तू भी कर बुरा। फिर हम उस अभिमान के वशीभूत होकर के उसके साथ बुरा करने को उतारू हो जाते हैं, जबकि अंदर से आत्मा ने ईमानदारी से बोल दिया था, कुछ नहीं रखा, क्यों कर्म बांध रहा है तू, क्यों अपना संसार बढ़ा रहा है। तो हमारे पास 7 विशेषताएं जो आत्मा के मूल गुण हैं, उनको किसी विद्वान ने, किसी अनुभवी ने बांधने की कोशिश की है। वैसे आत्मा के अनंत गुण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सारांश के रूप में निकाला है। सबसे पहला गुण है आत्मा का पवित्रता, यह आत्मा का गुण है, प्योरिटी, जिसको हम प्योर सॉल कहते हैं, प्योरिटी कहते हैं, यह हमारी आत्मा का गुण है। जब भी तुम इम्प्योर होते हो, जब भी तुम अपवित्र होते हो, अंदर से मलिनता आती है, तो आत्मा तड़पती अंदर से। कभी भी किसी के लिए बुरे भाव आते हैं, लेकिन जब कभी आप आत्मा के करीब होते हो, ध्यान में होते हो, तो आत्मा रोकती है, रहने देना, क्यों बुरे विचार ला रहा है तू। पर लेकिन इतना कहा है कि आत्मा की अनुभूति पवित्रता के माध्यम से हो सकती है। पवित्रता, प्योरिटी, प्योरिटी के बाद, पवित्रता के बाद शांति। शांति देखना, जब आदमी पवित्र होता है तो वो शांत भी होता है। हाँ, अंदर उथल पुथल नहीं है तो वो, क्योंकि आदमी अंदर से मलिन है, अंदर उहा पोह में घुसा पड़ा है, अंदर में अगर परेशान है, पवित्रता नहीं है, तो शांति हो ही नहीं सकती। यहां पवित्रता आई, वहां शांति आई, जिसको हम कहते पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी या प्योरिफिकेशन, पवित्रता के तुरंत बाद शांति आती है, यानी शांति के लिए पवित्र होना जरूरी है। और शांति जैसे डेवलप होती है, शांति जैसे बढ़ती है, तो फिर एक प्रेम पैदा होता है, निस्वार्थ प्रेम, जिसको भगवान महावीर ने मैत्री कहा है। तीसरी विशेषता है आत्मी की, प्रेम, वो भी विशुद्ध, वो भी अनकंडीशनल लव, प्रेम, पवित्रता, शांति, प्रेम। और चौथा गुण है, चौथी विशेषता है इस आत्मा की, आनंद। क्योंकि जब आपके पास अनकंडीशनल लव होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, उसको ही पता है आनंद किसका नाम है, आनंद किसको कहते हैं, आनंद की अनुभूति, जिसको हम कहते हैं सुकून। और ये देखा है कि जब आदमी किसी का भला अनकंडीशनल स्थिति में करता है तो उसे सुकून मिलता है, लेकिन जब भला कुछ सोच के करता है कि मुझको इसके एवेज में कुछ चाहिए, तो आदमी जब तक वो रिटर्न वापिस नहीं आता, तब तक वो बेचैन रहता है कि मेरा रिटर्न वापिस क्यों नहीं आया, मैंने ये सोच करके अच्छा किया था, फिर इसके बदले में मुझे ये क्यों नहीं मिला। आनंद, और जब आनंद बढ़ने लगता है, फिर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बुद्धि वाला नहीं, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, अंदर का ज्ञान, ज्ञान जिसको हम आत्म ज्ञान कहते हैं। आनंद के बाद ही आत्म ज्ञान में प्रवेश करते हैं, और आत्म ज्ञान जैसे होने लगता है, फिर एक शक्ति प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है, शक्ति, क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, और उन अनंत शक्तियों से हमारा संपर्क होने लगता है। और अनंत शक्ति के बाद 7वीं विशेषता है सत्यता। देखो, पवित्रता से यात्रा प्रारंभ हुई और सत्यता तक गई है। सत्य,
ये जो सत्यता है जिसको हम ट्रुथफुलनेस कहते हैं, सत्यता, ये असली भगवान है जिसको हम सत्य भगवान कहते हैं। और इन चीजों के बीच में मैं बतला देता हूं, इन चीजों को पाने के बीच में सबसे बड़ी बाधा कौन है बोलो? इन के अंदर सबसे बड़ी बाधा है तनाव। जो बंदा तनाव में, तनाव का मतलब जानते हो आप, तना हुआ है, जो तना, आप देखना नॉर्मल स्थिति में जब आप शांत होते हो आपके अंग प्रत्यंग सब शिथिल रोते, सब शिथिल, कोई तनाव नहीं, चलते फिरते भी तनाव नहीं है। और जब आप तनाव में होते हो, उत्तेजना में होते हो, क्रोध में होते हो, तो आपके शरीर के अंदर एक अजीब तरह का एक तनाव होता है, तनाव रहता है, स्नायुओं के अंदर भी तनाव रहता है, मस्तिष्क के अंदर भी तनाव रहता है, माथे के ऊपर भी लकीरें रहती है, चलने में भी एक तनाव रहता है। तनाव यानी आप खिंचे खिंचे हो, खिंचे खिंचे, और खिंचे खिंचे यानी खिजे खिजे। आदमी तनाव के अंदर कैसा रहता है? खिजा हुआ रहता है, खिजा हुआ। और कभी कभी हमने देखा है ऐसी मुसीबत आती है, और ये तो हमने देखा भी है, कई लोग बताते भी हैं कि ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, और वो तनाव अंदर घुसा रखा है, ऑफिस से छुट्टी हो गई और कुछ घरवाली ने अंट संट कुछ काम कर दिया, बस वो बहाना देखता है तनाव बाहर निकलने का, तो उसने सारा तनाव सारी खीज किसके ऊपर निकाल दी? घरवाली पे निकाल दी। अब घरवाली क्या करे अपने आदमी का? फिर घरवाली किसके ऊपर खींच निकालती है? अपने छोटे छोटे उन बच्चों के ऊपर, किसी का थप्पड़ मार दिया, किसी है इधर हो जा उधर हो जा। अब बच्चे भी खींच किससे निकालें? बच्चे उन चीजों को तोड़ देते हैं, क्योंकि जो जिसके कंट्रोल में वो उसके ऊपर खींच निकालता रहता है। जो जब हम समझते हैं कि ये मेरे हाथ में है, इसका मालिक मैं हूं, तो हम उसके ऊपर खींच निकालने लग जाते हैं। ये एक सिलसिला चलता है, ये तनाव। और तनाव आप समझ लेना, अगर तुम थोड़ा सा तनाव को गौर करके देखो तो हमारे अंदर एक एहसास होता है, तनाव से जो दर्द पैदा होता है, जो पीड़ा पैदा होती है, उससे पता चलता है कि हाँ कुछ तो रॉन्ग है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसे हमें बदलना चाहिए। क्योंकि तनाव में आदमी सहज, बोलो, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे जावे, ऐसा सोचने वाला क्या तनाव में आएगा क्या? लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अगर किसी ज्योतिषी ने कह दिया भैया तू कल मरने वाला है, तो टेंशन होगी क्या? क्योंकि उसे मालूम है जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, और चाहे लक्ष्मी मेरे पास कितनी भी आ जाए, एक ना एक दिन छोड़ के तो जाना ही है। जिसको इतना बोध हो गया है कि लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी टिप्पणियां हैं, अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी सोच है, और सब व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अनुसार कमेंट्स पास करते हैं, तो जो जिसको बोलना है बोल सकते हैं। मैं किसी के मारते हुए का हाथ तो पकड़ सकता हूं, लेकिन किसी बोलते हुए की जबान नहीं पकड़ सकता। जो मेरे हाथ में है ही नहीं, फिर उसके बारे में सोचना क्यों? ये चीज जब आती है तो आदमी तनाव से नीचे आने लगता है। और एक बात, अगर आप समाय करते हो, अगर आप एक श्रावक हो, मैं अगर एक संत हूं, तो हमें इस बात पर निर्णय कर लेना चाहिए कि जो तनाव है और जितने भी प्रकार के तनाव हैं, वे तनाव नकारात्मक ऊर्जा की फसल है, ऊर्जा की उपज है, क्योंकि नकारात्मक भी एक ऊर्जा तो है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा है ऐसे नकारात्मक की ऊर्जा है। तो जितना भी तनाव है, जो तनाव है ये नकारात्मक की फसल है, जो भी चिंतन है, जो भी विचार है आपका नकारात्मक। क्योंकि आप सोचो, प्यार में कभी तनाव आएगा क्या?
जब हम अच्छा सोचेंगे किसी के लिए तनाव आएगा क्या? अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे तो तनाव आएगा क्या? तनाव कब आता है? जब हम नकारात्मक सोचते हैं। नकारात्मक कब सोचते हैं? जब हम अपने अंदर नहीं होते, अपने अंदर से हमारा संपर्क नहीं रहता है, अपनी आत्मा से संपर्क नहीं रहता है। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कोशिश करें अपनी समाय को सफल बनाने की, क्योंकि एक बात और याद रखना, जो तनाव है ना, इसका चुनाव हमने खुद किया है, खुद किया है। लोग तो अपना काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं। अगर उन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप टेंशन में आए हो, या बुरा मान गए हो, या अभिमान में फूल गए हो, यानी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करने लगे हो आप, तो ये निर्णय आपका है, सामने वाले का नहीं। आप ये मत कहना कि उसने मुझे तनाव में ला दिया। ना ना ना, उसकी तो हिम्मत क्या थी जो आपको तनाव में ला दे। आपने खुद तनाव लिया है। देखिए, जिंदगी के अंदर परीक्षाएं भी होती रहेंगी, जिंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करते भी रहोगे, कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर डेडलाइन भी आएगी कि इसके बाद जिंदगी खत्म है, इसके बाद इस काम की ये आखिरी डेट है, इसके बाद डेडलाइन है। ये सब चीजें आएंगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन उन चीजों को, लक्ष्यों को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, या किसी भी बात को लेकर के जो भी आप तनाव में आते हो, उस तनाव का निर्णय तुमने खुद किया है, उस तनाव को तुमने है। तनाव अपने आप नहीं आया है आपके ऊपर, आपने खुद एक्सेप्ट किया है या खुद एडॉप्ट किया है। वो तनाव तब आया है जो धर्मात्मा, बस यही कहता हूं आपको, जो धर्मात्मा है, जो धर्म को जानता है, वो कर्म को जानता है, जो कर्म को जानता है वो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है वो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा की अनंत शक्तियों को जानता है, और जो उनसे जुड़ा हुआ रहता है वो संसार की शक्तियों से दूर हट जाता है, वो आत्मिक शक्ति में इतना निमग्न हो जाता है, उसी शक्ति के आधार पर ही वो कर्मों को काट सकता है। क्या आप समझते हो? हम लोग कर्मों से लड़ नहीं पाते, हम कर्म हमें नचाते हैं, हम कर्मों को नचा नहीं पाते। इसकी एक ही वजह है, भगवान महावीर या तीर्थंकर भगवंतों ने कर्मों को नचाया। किस वजह से नचाया? कि उनको किसी भी बात पर तनाव क्यों नहीं आता था? बोलो ना, तनाव क्यों नहीं आता था? तनाव इसलिए नहीं आता था कि उनमें कसायों की कमी रहती थी। कसाई कम, बहुत कम, बहुत कम। और कसाई की कमी कहाँ होती है? जहां पॉजिटिव सोच होती है, जहां पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकर उसको कहते हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपना निर्णय स्वयं करता है। और एक बात जरूर याद रख लेना, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें अच्छी तरह से जानता है। कौन है वो? आप खुद। मेरे से ज्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता, ये तो मानोगे ना? मेरे से ज्यादा मुझे तो कोई नहीं जान सकता। मैं हर चीज जानता हूं अपनी, किन घटनाओं पर मेरा क्या प्रभाव पड़ता है, किन बातों से मेरे अंदर क्या उथल पुथल मचती है, कहां मैं क्या सोच रहा हूं, कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं। ये तो हो सकता है लोगों के आगे मैं समायिक लेके बैठा हूं और अंदर कुछ और ही खुरापात चल रहा हो, ये मैं ही जान सकता हूं, और कोई नहीं जान सकता। यह तो केवली जानता है, केवली अब है नहीं, पर लेकिन हम तो केवली है ना, अपने तो केवली है। बस उस केवली में और हमारे केवली में एक अंतर है, वो तीन लोग की बातें जानता है। भगवान क्या कहते हैं कि तीन लोग की बातों को छोड़ो ना, तू अपनी बात जान ले, तू अपने को जान ले। बस मैं इस वक्त किस मनस्थिति के अंदर हूं, किस स्थिति के अंदर हूं, इस चीज को जान लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ में नहीं है, कोई मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में, क्या है?
मेरा मन मेरे हाथ में। देखो मैं मौसम नहीं बदल सकता, लेकिन अपना मिजाज बदल सकता हूं। मौसम मेरे हाथ में नहीं है, प्रकृति मेरे हाथ में नहीं, कब धूप निकले कब बरसात हो जाए, सामने वाला कब मुझे क्या बोले क्या ताना मारे, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उस ताने को सुनकर के मुझे अशांत नहीं होना, ये मेरे हाथ में है। भाई उसने अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पास निकाला, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए डस्टबिन तो बना, किसी ने अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर तो निकाला, और ये फ्रस्ट्रेशन निकाल करके वो तो हल्का हो गया, चलो मेरे अंदर इस फ्रस्ट्रेशन को पचाने की, खपाने की और खत्म करने की ताकत मेरे पास थी, इसलिए इसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और ये बोझ से मुक्त हो गया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आदमी ये सोच सकता है, और यही सोचना ही सामायिक है। इसी सोच के आधार पर ही हम और आप पवित्र हो सकते हैं। बस समय हो रहा है आपका। तनाव, दबाव और लोच, लोच लोच एक शब्द आता है, लचक लचक, क्योंकि तनाव में हम तने हुए रहते हैं, दबाव में हम दबे हुए रहते हैं। देखना आप, तनाव में हम तने हुए रहते हैं, दबाव में हम दबे हुए रहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक लचक है, लचक लोच, लोच समझते हो? मैंने कभी कभी सोचा करता था, एक छोटी सी मोरी में से बिल्ली पार हो गई, वो जो बिल्ली निकल करके गई, छोटी सी मोरी में से निकल गई बिल्ली, क्यों जी? क्योंकि उसके शरीर में क्या है, लचक है, बिल्ली निकल गई। तो कभी कभी मैंने उसको देखकर सोचा, यार मेरे से अच्छी तो बिल्ली है जो इतनी पतली नाली में से भी पार हो गई, और मैं आदमी होकर के भी इस मुसीबत की नाली को पार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे अंदर अकड़ है, हाँ लचक नहीं है। मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं पा रहा हूं। आपने देखा होगा जब बहुत तूफान आता है और जिन पेड़ों में लचक होती है वो पूरे झुक जाते हैं, लेकिन जब तूफान निकल जाता है वापिस फिर खड़े हो जाते हैं, टूटते नहीं। क्यों नहीं टूटे? क्योंकि उनके अंदर लचक थी। लचक जिंदा इंसान में होती है, अकड़ तो मुर्दे के अंदर होती है। आदमी जीते जी मुर्दा बन जाता है जब उसके अंदर अकड़ होती है। तो आप ये सोचना, समायक का एक ही मायने समझ लेना और इस सातवें पद का एक ही रहस्य समझ लेना। वो रहस्य यह है कि मेरे अंदर जो लचक है, इस लचक को मालूम है क्या नाम दिया है? आंतरिक बल। हाँ, ये बल है, आत्मिक बल। ये जो लचक है आपके अंदर, ये जो मैं हाथ भी हिला रहा हूं, ये तभी हिला रहा हूं जब आत्मा का बल है मेरे अंदर। हाँ, अगर आत्मा निकल जाए तो बस वैसे ही पड़ जाऊं। ये जो चल रहा हूं, फिर रहा हूं, टांगे मोड़ रहा हूं, बैठ रहा हूं, उठ रहा हूं, कुछ ना कुछ लोच तो है मेरे अंदर। यही लोच, यही आत्मिक बल, क्योंकि परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को मैं अपने मुताबिक ढाल सकूं, ये ताकत परमात्मा ने मुझे दे करके भेजा है। और जब तक मैं इस परीक्षा में पास ना हो जाऊं, तो फिर तब तक मुझे परमात्मा का विद्यार्थी कहलाने का हक नहीं है। मैं वीतराग पथ का पथिक तभी कहला सकता हूं, मैं अरिहंत मार्गी तभी बन सकता हूं, मैं साधु मार्गी तभी बन सकता हूं, मैं श्रवण संघीय संत तभी बन सकता हूं, जब हर परिस्थिति के अंदर मेरे अंदर एक लचक हो, यानी परिस्थितियों के अनुरूप मेरे अंदर सड़ांध ना आए, परिस्थितियों को झेलने की ताकत मेरे अंदर विद्यमान हो। और वो ताकत है मेरे अंदर, पर लेकिन करे क्या, वो सकारात्मक सोच हमारे पास नहीं है। ये जितनी डेवलप होती जाएगी उतने ही आप श्रावक और संत बन पाएंगे। समय हुआ आपका।
धर्म न दोजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना साची बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे सत छोड़ा पत जाए सत की बांधे लक्ष्मी फेर मिले गियाए तप बल से भी सत्य का बल है अपरंपार हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गए सब आसाने हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कल आप लोग सुन रहे थे महर्षि विश्वामित्र के द्वारा शापित अप्सराएं मुक्त होकर के चली गई अब आगे क्या होगा सुनिए और शुरुआत में एक दोहा है ये दोहा हमारा और तुम्हारा पीछा करता रहे तो अच्छा है ये दोहा बहुत जरूरी है क्रोध भयंकर शत्रु है कर्ता जीवन नष्ट धर्म कर्म तप योग से मानव होता भ्रष्ट ये बात तुम्हारे और मेरे दिमाग में जम जाए कि क्रोध भयंकर शत्रु है इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है हमारा बाहर के दुश्मन इतना बुरा नहीं करते हैं और ये दुश्मन हमारे अंदर ही रहता है और हमें ही खाता है हम ही पालते हैं और हमारा ही बुरा करता है ये क्रोध भयंकर शत्रु है करता जीवन नष्ट क्योंकि जिस जीवन में खुशी नहीं आनंद नहीं प्रसन्नता नहीं वो कोई जीना जीना है क्या वो जीवन जीवन है क्या मुर्दा है वो जीवन आग का गोला है वो जीवन राख की ढेरी है वो जीवन और याद कर लेना क्रोध की उपस्थिति में आप कितना भी
धर्म करो, अच्छे काम करो, तप करो, जप करो, सब भ्रष्ट, सब खत्म। क्रोध की उपस्थिति में आप कुछ भी करो, उसका फल नेगेटिव ही मिलने वाला है। कौशिक ऋषि आश्रम में कुटीर में, कौशिक ऋषि समझे कौन, विश्वामित्र। कौशिक ऋषि आश्रम में कुटीर में ध्यान समाधि लगाते हैं, किंतु कोप से कंपित चंचल चितना वश कर पाते हैं, रह रह कर वे दृश्य कलेश का चक्कर काट रहा मन में, कोपानल की ज्वालाओं का दहा दहकता है मन में, दीप सला का तुल्य क्रोध है नहीं शांति रह पाती है, औरों को जब भस्म करे तो स्वयं भस्म हो जाती है। महर्षि विश्वामित्र अपनी कुटिया के अंदर श्वास खींच रहे हैं, लेकिन अब श्वास पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जब क्रोध आता है ना तो श्वास की गति बढ़ जाती है। सच कहता हूं, तनाव में श्वास की गति बढ़ जाती है और शांति में श्वास की गति धीमी हो जाती है। और बताऊं आपको, पहले लोग लंबी उम्र तक क्यों जिया करते थे, वो इसलिए जिया करते थे कि वो शांत रहते थे और श्वास का खजाना जल्दी जल्दी खर्च नहीं होता है। और तुम्हारे 24 घंटे में पता नहीं कितने बार तो नथने फूल जाते हैं, ये जब गुस्सा आएगा तो कुछ ना कुछ तो श्वास की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि भय डर के अंदर श्वास तेज हो जाता है। डर में, क्रोध में, वासना में हमेशा हमारे श्वासों की गति तेज हो जाती है और हम श्वासों के खजाने को इस तरह खर्च कर रहे हैं। बेचारा जैसे ध्यान करे वैसे ही वो अप्सराएं हा हा हा, कोई दाढ़ी को खींच रही, कोई ताने मार रही, जैसी वो बात याद आवे, क्योंकि सारा कचरा तो अंदर लेकर के आ गया ना वो, है ना। जब तक ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, जब तक वो शब्द अंगारे जब तक अंदर पड़े रहेंगे, शांति से रहने वाले हो क्या? नहीं रह सकते। काश हम और तुम अंगारा डालने वालों के लिए जल के सरोवर बन जाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि अंगारा अगर पानी में गिरता है ना तो वो बुझ जाता है, और अंगारा जब घास और फूस में गिरता है ना तो आग, हमने कहता उसने मेरे आग लगा दी, अरे उसने तो आग बाद में लगाई, पहले तू घास फूस बन के बैठा हुआ है, पहले ही ईंधन लगा करके बैठा हुआ है, और ईंधन में कोई आग डालेगा तो भैया आग तो जलेगी। अब हम उसको दोष दे रहे, ये नहीं सोच रहे मैं भी तो सूखा ईंधन बन करके बैठा हुआ था, मैं भी तो रुई की ढेरी बन करके बैठा होता, एक बार रुई में आग डाल दो, आग एकदम पकड़ लेती। और क्रोध की क्या गजब की उपमा दी है कि क्रोध तो ऐसे ही है जैसे दिया सलाई, दिया सिलाई, समझते हो, माचिस। अब तो क्या करें, स्टार्टर आ गए हैं, पहले माचिस हुआ करती थी, तो आपने देखा होगा माचिस जब भी दिया सिलाई के तुल्य होता है, और दिया सिलाई हमेशा दूसरों को जलाने के काम आती है, लेकिन एक बात याद रख लेना कि दिया सलाई दूसरे को जलाए ना जलाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी वो घिसी जाएगी आग पहले उसी को लगेगी, क्योंकि उसको लगेगी तभी वो दूसरे को लगा पाती है, और दूसरे को लगाए ये भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन खुद में तो आग लगानी ही पड़ती है। वाह, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि घमंड है, और क्या सोच रहा है, मुनिवर सोच रहे थे मेरा कैसा है दुर्दम तप बल,
पल भर में ही बंधी अप्सरा भूल गई देवी छल बल, त्रिभुवन में अब कोई भी जन मुक्त नहीं कर सकता है, कर सकता है मुक्त अगर तो कौशिक ही कर सकता है। इनके पति अब दीन दुखी से अनुनय करने आएंगे, श्री चरणों की धूल चाट निज पत्नी मुक्त कराएंगे। क्या सोच रहा है? वाह, शाबाश, इतने वर्षों की साधना तेरी खराब नहीं गई, क्या गजब है। एक ही मिनट में बांध करके रख दिया मैंने अप्सराओं को। कितने मंत्र होते हैं इन देवताओं के पास, एक नहीं चली इनकी। मेरी तपस्या की शक्ति ने इन देवियों को बंधन में डाल दिया। वाह, अब पता चल गया होगा उनको कि विश्वामित्र में कितनी ताकत है, और तीन लोक में कोई ऐसा माई का लाल है नहीं जो इनको कोई मुक्त करा सके। हां, केवल एक मैं ही हूं जिसने बंधन में डाला है, वही मुक्त कर सकता है। मैं ही बंधन से मुक्त कर सकता हूं, कोई नहीं। और देखना, अब थोड़ी देर के बाद इनके पति देव आएंगे, रोएंगे चिल्लाएंगे और कहेंगे जी माफ कर दो। मैं कहूंगा पहले नाक रगड़, फिर वो नाक रगड़ेंगे, क्योंकि अपनी बीवियों को छुड़ाने तो जरूर आएंगे वो। और जब वो नाक रगड़ेंगे, देवता होकर के नाक रगड़ेंगे, आह मुझे कितना अच्छा लगेगा। कम से कम मेरे जख्मों पे मलहम लगेगी, उनके आंसुओं की बूंद जब मेरे दिल जलते हुए दिल पर पड़ेगी, शांति मिलेगी मुझे। ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कौशिक ऋषियों मन कल्पना नभ में उड़ते जाते हैं, इतने में आशिष्य कल्पनाओं पर वज्र गिराते हैं। भगवान बद्ध देवियां होकर मुक्त स्वर्ग को चली गई, सुनते ही कौशिक मुनि के भी बुद्धि चेतना दली गई। आह, लड्डू फोड़ रहा अपने आप ही लड्डू फोड़ रहा है, उनके पतियों की नाक रगड़वा रहा है, उनको रोते हुए देख रहा है और अपनी हैकड़ी बता रहा है कि किस तरह मैं ठुकराऊंगा। है चला यहां से, अपनी करनी को भुगतने दो उनको। ऐसे उड़ रहा है, इतने में आवाज आई, गुरुजी अब तेरा भला हो। क्या हुआ? गुरुजी चिड़िया उड़ गई। क्या? हाँ, उड़ गई। अरे क्या उड़ गई गुरुजी? क्योंकि ऐसे वक्त में चेलों को भी मजा आता है, जैसे गुरु वैसे चेले भी तो ऐसे होंगे। गुरुजी, जिनको आप अपनी तपस्या की ताकत से बांध कर आए थे, उड़ गई, चली गई, खत्म, आपकी शक्तियां सब खत्म। क्या? क्योंकि अभी तो ये सोच रहा था तीन लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनको मुक्त कर सके। आ गया बेचारा जमीन पे, सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर कहा चेलों को, अबे तुम सही बोल रहे हो ना, नुके गुरुजी सही बोल रहे, विश्वास नहीं तो देख लो कौन सी दूर में? देख, विस्मय है, अति ही विस्मय है, चकित हो गया। विश्वामित्र की आंखें फटी की फटी रहेगी और मुंह खुला का जैसे अवा।
विस्मय है अति ही विस्मय है मुक्त, अरे क्या सत्य कहा, क्या मेरे तप में इतना भी आज नहीं सामर्थ्य रहा। यदि ऐसा होता तो पहले बंधन में बंधती ही क्यों, एक बार जब बद्ध हुई तो पुनः स्वयं छुटती ही क्यों। अरे कहो क्या स्वयं पापनी मेरे बंधन से छूटी, अथवा कोई अन्य विमोचक है जिसकी किस्मत फूटी। विस्मय, घोर आश्चर्य, क्या मेरी तपस्या में इतना सामर्थ्य नहीं रहा। यदि ऐसा होना था तो बंधी क्यों, क्योंकि उन्होंने खूब मंत्र पढ़े थे, उनके कोई मंत्र नहीं चले। क्योंकि जो एक बार बंध जाता है उसको वही खोल सकता है, कोई और नहीं खोल सकता। यह हुआ कैसे? चेलों को बुलाया, उसमें से बड़े वाले को, उससे पूछा, ये बता वो जो देवियां थी, पापनियां थी, जो दुष्ट थी, जो वो अपने आप ही गई क्या उड़ करके, या किसी ने छुड़वाया, कोई छुड़ाने आया? और जो छुड़ाने आया है ना, ये तो समझ लो उसकी किस्मत तो फूट चुकी। हाँ, अब चेले नमक मिर्च लगा के बोलने लगे, कहने लगे, गुरुजी सुनो, आप बांध कर आए, आप बांध कर आए, उसके कुछ ही देर बाद राजा हरिश्चंद्र जी आए लेने स्वच्छ हवा वन की ताजा। कौशलपति को देख पुकारी दया मूर्ति झटपट आए, हाथ लगाते ही बंधन के ढूंढे चिन्ह नहीं पाए। नुके गुरु जी, जैसे आप बांध करके आए ना, तो शाम के वक्त जंगल की ताजा हवा खाने के लिए राजा हरिश्चंद्र आए। अच्छा, फिर क्या हुआ? नुके उसके बाद उनको देखते ही, यानी राजा हरिश्चंद्र को देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और जैसे उनके रोने की आवाज आई, वो तो हरिश्चंद्र तो दया के भंडार निकले, करुणा के अवतार निकले, तुरंत दौड़े हुए आए। और गुरुजी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, बस केवल लताओं को हाथ लगाया, वो तो छूट के भाग गई। ओह, ये तो अच्छा हुआ कि विश्वामित्र की जगह मैं नहीं था, नहीं तो मुझे बहुत दुख होता। और होता है, क्योंकि ये दुख व्यक्ति को नहीं होता, ये दुख अहंकार को होता है, ये घमंड को दुख होता है, ये ईगो को दुख होता है। ओह, हरिश्चंद्र का नाम आते ही शिष्यों की सुन बात क्रोध का सागर दुगना लहराया, शुद्ध हृदय में कुविचारों का अति भीषण अंधड़ छाया। शिष्यों की बात सुनते ही जो क्रोध का सागर था वो उछाले भरने लगा, दुगना। क्यों बताओ, क्यों? वो इसलिए, क्योंकि विश्वामित्र हरिश्चंद्र को गृहस्थी मानता था, घर गृहस्थी मानता था, भोगों का कीड़ा मानता था, महलों में रहने वाला मानता था, दुनिया के हर सुख भोगने वाला मानता था, और स्वयं को अपने आप को महात्यागी मानता था। एक महात्यागी को एक घर में रहने वाले, महलों में रहने वाले और ऐश करने वाले ने हमारी तपस्या की ताकत को खत्म कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? एक गृहस्थी साधु से बड़ा कैसे हो सकता है? तभी तो कहता हूं,
साधु गृहस्थियों को बहुत छोटा मानते हैं। मैं कभी कभी संतों को कहता हूं, प्लीज कृपया अपने अन्नदाताओं को इतना छोटा मत मानो। तुम्हारा धर्म पलवाने वाले यही हैं। इन अन्नदाताओं को, इन सहयोगियों को अपने से छोटा मत मानो। जितना तुम इनको छोटा मानोगे, आप भी उतने छोटे हो जाओगे। ये मेथड है अध्यात्म जगत का। जो किसी को छोटा मानता है, वो खुद छोटा हो जाता है। जो दूसरों को बड़ा मानता है, तभी बड़ाई मिलती है उसको। गुस्सा परंपार एक गीत गा रहा है विश्वामित्र। कहो तो सुनाओ। नुका सुनाओ गुरु महाराज। पहली बार तो साधु नीचे आया। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या। क्योंकि साधु आप लोगों को नास्तिक मानते हैं और वो भी मान रहा है। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, पाप मल का सबके मन पे छा गया अंधकार क्या, आश्रमों का नष्ट होता जा रहा गौरव सभी, भूल बैठे क्रुद्ध ऋषियों की विकट हुंकार क्या। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, ये हरिश्चंद दास चरणों का बिगड़ कैसे गया, मुझको मेरे तप को भूला क्यों हुआ कुविचार क्या। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, मैं वह कौशिक हूं जिसका विश्व पर आतंक है। खुद ही बोल रहा है, क्योंकि गुस्से में जब आ जाता ना आदमी, वो बोल देता है, मैं ऐसा नाग हूं अगर एक बार डस लिया तो पानी नहीं मांगेगा। लो जी, कभी कभी गुस्से में आप अपने बच्चे को बोलते हैं, ए गधे की औलाद, ये नहीं सोचे कि किसको बोल रहा है वो। अगर आप अपने बच्चे को गधे की औलाद बोलोगे तो गधा किसको बोल रहे हैं आप। तो कभी कभी गुस्से में बोल देता, मैं वो काला नाग हूं जिसको एक बार डस लूं वो पानी नहीं मांगता। मैं वह कौशिक हूं जिसका विश्व पर आतंक है, मेरे आगे मान्य ऋषियों ने न पाई हार क्या। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, आके करुणा के नशे में अप्सराएं छोड़ दी, आके करुणा के नशे में अप्सराएं खोल दी, मैं तो जालिम नीच निर्दय तू दया भंडार क्या। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, चूर्ण कर दू गर न तेरा गर्व तो अधिक है अमर, मैं हूं विश्वा मित्र तूने समझा है मुर्दार क्या। आज जालिम नास्तिकों से भर गया संसार क्या, ताकि छोड़ूंगा नहीं तुझको, तूने जो मेरा अपमान किया है, तूने जो मुझको चुनौती दी है, इसका तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। दिन निकलने दे बस, क्योंकि दिन छुपते छुपते अप्सराएं गई थी और उनकी जाति चेलों ने आग लगा दी। रात भर जलता रहा बेचारा। कौन? हाँ, रात भर जलता रहा, दिन निकलने का इंतजार करता रहा कि एक बार दिन निकले। रात भर नहीं सोया
और हरिश्चंद बड़ा निश्चिंत होकर के सोया। क्यों सोया और वो क्यों नहीं सोया? क्योंकि दूसरों को सताने वाले कभी चैन से नहीं सोया करते, और बिना स्वार्थ किसी का भला करने वाले को, भला करने वाले कभी नींद को तरसा नहीं करते। ये फर्क होता है। इधर से दिन निकला, दिन निकलते ही एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर के विश्वामित्र ने एक अलख जगाई। अलख निरंजन, जटाएं खुली हुई हैं, जितने भी शिष्य अपनी अपनी कुटिया में थे सब बाहर निकल आए। विश्वामित्र का यह रुद्र रूप देखा, शिष्य बोलने लगे, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है? चलो अयोध्या चलते हैं, एक नशेड़ी का नशा उतारना है, एक नशेड़ी का नशा उतारना है। जो आज्ञा गुरुदेव। आगे आगे विश्वामित्र, देखो तो सही जरा नाम कितना प्यारा है। नाम क्या है? विश्वामित्र। इसका अर्थ क्या निकलता है? जो विश्व का मित्र है। और काम क्या है? दहशत फैलाना, आतंक फैलाना, अपनी तपस्या का उपयोग भी किसी को डराने के लिए करना, अपनी तपस्या का प्रयोग भी किसी को बंधन में डालने के लिए करना। चल पड़े और बीच अयोध्या में आ गया है तूफान। हजारों चेले पीछे, आगे विश्वामित्र। जैसे मेन मुख्य मार्ग पर आए अयोध्या के, और उस मार्ग पर जो मार्ग राज्यसभा की ओर जाता है, जनता भयाक्रांत हो गई। सुबह सुबह उठा कि क्या तूफान आ गया, लोगों ने खिड़कियां खोली, देखा, अरे रे राम 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 राम, विश्वामित्र गरम, क्योंकि लहरते हुए जा रहे हैं। आज हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि कल क्या होगा? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। इतना बड़ा तूफान आया है तो कुछ ना नाम बेशक से तितली हो तूफान का नाम। अभी आई है तितली, आया था ना, नाम कैसा था उसका? तितली। और तितली ने क्या तूफान मचाया है, बल्कि विश्वामित्र तो तितला है, दिल जला है, तो वहां तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आओगे ना? आना, कल देखते क्या होता है। वीर नाम के, गुरु नाम के, हीरे मोते मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए,
दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए हो, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। आज 17 अक्टूबर है, आज उपाध्याय श्री जी जो हमारे गुरु प्रेम सुख परिवार के मालिक हैं, डेट के हिसाब से तारीख के हिसाब से आज उनका दीक्षा दिन है। 1978 के अंदर 1978 के अंदर 17 अक्टूबर के दिन दशहरे का दिन था, उस दिन आपने संसार के बंधनों को तोड़कर वैराग्य भाव से विशुद्ध रूप से गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज श्री के चरणों में दिल्ली इंदरपुरी जे कॉलोनी के अंदर चतुर्मास के अंदर ही दशहरे के दिन ही दीक्षा धारण की थी। उस दिन 17 अक्टूबर का दशहरा था और इस बार 18 अक्टूबर का है, शायद कल का है, 19 का है, हाँ जो भी है, आज तारीख के हिसाब से आपका दीक्षा दिन है। और हम सभी मिलकर के, क्योंकि 40 वर्ष पूरे हुए आपके और 41वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, हम सभी दिल की गहराइयों से आप श्री को 41वें दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप इसी तरह विशुद्ध रूप से शरमन संघ की सेवा करते हुए जिन शासन को दीपाएं, ये मंगल कामना है। और आज ओली तप की आराधना का दूसरा दिन है और आज की माला ओम हिरिंग सिरिंग नमो सिद्धानम की 8 माला फेरनी है। रंग वाला भोजन करना हो तो आज राज में या लोभिये का भोजन हो सकता है, और आज माला फेरने से पहले 8 बार विधि सहित सिद्ध भगवान को तीखुतों के पाठ से 3 बार उठ बैठ करके वंदना करनी है, जो 3 बार उसको 8 बार तक लेकर के जाना है, तो 8 बार वंदन करना है, 8 माला फेरनी है, राजमे का भोजन करना है या जो भी भोजन है आइम्बिल का वो करना है। आप सभी को ओली तप के दूसरे दिन की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ।